नालागढ़ के पुराना बाजार में देर रात करीब 3 बजे मनु ज्वेलर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दुकान मालिक व आसपास के लोग एकत्रित हुए, जिसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड नालागढ़ को दी गई। सूचना मिलते ही फायर टीम अपनी 2 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। विभाग द्वारा दुकान में लगा आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस घटना में दुकान मालिक मानसिंह वर्मा को करीब 3 लाख का नुकसान हुआ, जबकि दमकल विभाग ने 80 लाख की संपत्ति को आग की भेंट में चढ़ने से बचाया है। मानसिंह ने बताया कि पड़ोसियों का फोन आया कि आपकी दुकान में आग लगी है और तुरंत दुकान पर पहुंचा। जानकारी के अनुसार बीती रात 3 बजे के करीब ज्वेलरी शॉप में अचानक धुआं निकलने लगा। जब आग काबू बेकाबू हो गई तो किसी व्यक्ति ने शोर मचाकर दुकान मालिक को सूचना दी। आग लगते ही दमकल विभाग नालागढ़ को सूचना मिली। फायर विभाग की टीम से फायर लीडिंग मैन रामपाल, फायरमैन रफीक, जमालुद्दीन, राधेश्याम, चालक अमरचंद व प्यारा ने मौके पर पहुंचकर बाजार को जलने से बचाया। फायर विभाग के अधिकारी जयपाल ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे बाजार में ज्वेलरी की दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाते हुए भारी नुकसान से बचाया गया। वहीं पर बाजार ने अवैध पार्किंग से समय पर नहीं पहुंची गाड़ियां। शहर के बाजार में दिन व रात अवैध पार्किंग की समस्या रहती है। इस अवैध पार्किंग के कारण आपातकाल की स्थिति से निपटना भी फायर विभाग के लिए चुनौती बन चुका है। बीते रात जब बाजार में आग की घटना घटित हुई तो बाजार में दोनों ओर अवैध पार्किंग के कारण गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में देरी हुई, क्योंकि बाजारों में रेहड़ी फड़ी और वाहनों की कतारें रहती हैं। नाम मानसिंह वर्मा, मनु जिला नालागढ़। लगभग रात को 3 बजे, कल रात 3 बजे हमें मैसेज आया कि आग दुकान में से धुआं निकल रहा है। पड़ोसियों ने हमें मैसेज दिया रात को। जैसे हम आए तो देखा हमने कि धुआं निकल रहा, हमने शटर शूटर जैसे उठाया तो काफ़ी हद तक अंदर सामान जल के काफ़ी हद तक राख हो चुका था। कितना नुकसान हुआ ये तो नहीं बता सकते, पर काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका है और मे भी शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रखा। और जैसे ही दमकल विभाग भी आ गया था 10-1 मिनट में, उन्होंने उनकी मेहनत के बलबूते इतनी आ गई, एकदम जल्दी से बुझा दी उन्होंने, नहीं तो और भी नुकसान हो सकता था। कुछ कैसे पता चलेगा, अभी कुछ पता ही नहीं है कुछ कहाँ पड़ा है क्या पड़ा है। 2-3 मंजिल आई है, 3 स्टोरी है इसके अंदर ना, तो अभी कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।